दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अमेजिंग कॉर्नर में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें आप 1500 रुपये तक का लोन ले सकते हैं आसानी से। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल में जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है, देखिए मैं कैसे अपने प्ले स्टोर में जाता हूँ। यहाँ आ गया प्ले स्टोर, ये देखिए। अब इसमें आपको सर्च करना है kreditbee, kreditbee। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए देख रहे हैं आप, मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है। अब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो है कुछ इस तरह की डिस्प्ले आएगी। मैंने इसे सर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जिस वजह से मुझे डायरेक्टली लोन का ऑफर होगा। मेरी प्रोफाइल बैचिंग चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद देख सकते हैं आप। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 1500, 3000 और 1,00,000 तक का लोन ले सकते हैं। अभी जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है 3000, इसमें आपको जो है एक बार लोन मिलेगा 1500 का, उसके बाद दोबारा पे करने पर 1522 रुपये समथिंग आपको पे करना है। आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, UPI से, अपने बैंक, अपने जो है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर अपने अकाउंट से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है एक दो बार अमाउंट पे करना है 1500 लोन लेने के बाद। दोबारा से जब 1500 लोन पे करेंगे दूसरी बार लेने का, उसके बाद आपको 3000 लिमिट मिलेगी। 3000 दो बार ले लेंगे तो आपकी लिमिट 8000 हो जाएगी। जिस तरह से आप लोन 1,00,000 तक का इसके ज़रिए ले सकते हैं, पेपरलेस लोन है, कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा धीरे धीरे करके। आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने अपनी प्रोफाइल में 3000 तक का लोन ले सकता हूँ। अगर मैं अभी भी गेट लोन पर ओके करूँगा तो ये देखिए आप, 3000 रुपये लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस 260 रुपये, 47 रुपये GST, 44 रुपये जो है टोटल इंटरेस्ट जाएगा आपका 36, और रिपेमेंट डेट है 1 अक्टूबर यानी कि 15 दिन का, और 3044 रुपये मुझे वापस करने होंगे। पेनल्टी चार्जेस से जो है कन्वेंस फीस जो है पेनल्टी चार्जेस एंड कन्वेंस फीस जो है। ठीक है, अगर आप 15 दिन के बाद पे करेंगे तो इसका नुकसान क्या है कि आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे तो kreditbee आपको एक अच्छा कस्टमर समझेगी और आपको कंटिन्यू लोन लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अब अगर आप देखेंगे इसके बाद, तो इसके बाद गेट इट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें मेरा खाता लिंक है, मेरे खाते में डायरेक्ट ही साइन करने के बाद पैसा पहुँच जाएगा। बहुत ईजी है दोस्तों। अब मैं आपको वापस ले जाता हूँ और दिखाऊँगा कैसे लोन लेना है। ये देखिए मेरा अकाउंट आ गया। प्रोफाइल में जाएंगे तो देखिए प्रोफाइल आ गई पूरी। KYC डॉक्यूमेंट डन है। KYC डॉक्यूमेंट में बात करेंगे तो आधार, पैन, फोटो लिख के आ रहा है। सिर्फ 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। एक अपने रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, किसी फ्रेंड का डाल सकते हैं, फैमिली मेंबर का डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर पैक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट, मैंने एक बैंक अकाउंट डाल रखा है जिसमें मेरा पैसा जाता है। और इसके अलावा आपको हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह आपका ID कार्ड, ठीक है, इसे हमें नहीं सुना। अब हम लोन पर आ जाएंगे वापस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें इस समय कोई भी लोन नहीं लिया हुआ, क्योंकि मैंने जो लोन लिया है पे कर चुका हूँ और अभी भी लोन ले सकता हूँ। बट मैं लोन नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं लोन लूँगा तो मुझे 15 दिन के अंदर ही पैसा वापस करना है। और जो है अगर मुझे 3000 का लोन लिया तो मुझे 2600 कुछ रुपये मिलेंगे, जिसमें मुझे 400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप सोच समझ कर लोन लीजिए, जब आपको ज़रूरत हो तब ही लीजिएगा। और लोन लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंडेटरी मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, जैसे लोन के लिए मैंने ओके करा, तो ओके करने के बाद मैंने यहाँ पर 3000 का लोन ओके कर दिया। अब गेट इट नाउ पर आऊँगा तो ये मेरा खाता ओके होगा। इसके बाद एक एग्रीमेंट आएगा, ई साइन भी है, डी को आप देखते रहिए ज़रा। इसको ओके करूँगा, उसके बाद एक जो है डॉक्यूमेंट प्रेफर्ड फॉर ई साइन। अब आपको एक आधार कार्ड का वर्चुअल ID नंबर होगा, वो उसमें डालना होगा, उसके ज़रिए आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। वो आधार कार्ड का वर्चुअल ID नंबर आपको आधार कार्ड की वेबसाइट से निकालना है। जैसे कि देख रहे हैं एक कोड गया मेरे नंबर पर, वो कोड ओके करके डालने के बाद ये देखिए एक कोड आया है। कोड को मैं ओके करता हूँ और ये 1171 कोड है, 1171 आप देखते रहिए, 1171 अब देखेंगे तो इसमें जो है मेरा ये साइन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे वो आधार वर्चुअल की नंबर डालना है। मैं आपके सामने वो नंबर डालता हूँ, ये देखिए। वो नंबर आपको मैसेज के जरिए प्राप्त होगा, आप देखते रहिए बस। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने स्क्रीनशॉट में उस नंबर को सेव कर रखा है, ये देखिए।
बस 2 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं आपको वो नंबर ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नंबर आ गया है 91 83 78 30, 91 83 78 30। ये नंबर जो है इसे आप उठा के इसमें डालेंगे तब आपका जो है वर्चुअल आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपके पास एक बार फिर से ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको डालना होगा, इसके प्रोसेस के बाद जो है आपका लोन 100% आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अकाउंट में लोन आने के बाद ही देखिए क्या होगा, ये आप यहाँ पर आएंगे और मेरा मैसेज देखेंगे। ये देखिए मैसेज में आ गया, मैसेज में आते ही यहाँ पर मैसेज मुझे प्राप्त होता है लोन का। ये देखिए जैसे मैंने 2693 रुपये का लोन लिया था, तो देखिए आपका अकाउंट आ रहा है यू हैव इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन इंडियन अमाउंट 2693 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट जो है मुझे मिला है। इसके अलावा ये देख सकते हैं, मैंने अपना लोन पे करा था वापस, तो मेरा लोन का जो था ये देखिए, ये मैंने अपना अकाउंट से पैसे पे करा है। तो उसके बाद मेरे पास मैसेज आया है एप्लीकेशन से, डियर कस्टमर वी हैव सक्सेसफुली रिसीव पेमेंट 3044, प्लीज वेयर अपलीकेशन अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इन योर लोन। जो है मेरा लोन जो है क्लियर हो चुका है और अब मैं दोबारा से लोन लेने के लिए हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी आगने वाली अगली वीडियो बहुत अच्छी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, उसे देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।